हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं ये नया डोरमेट लेकर आई हूँ। ये देखो कितना अच्छा डोरमेट है। इसको कैसे बनाते हैं आज मैं ये बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, दो कलर से मैंने बनाया है, ब्लू और मेहरून कलर से। आप किसी भी कलर से बना सकते हैं और बहुत अच्छा दिखाई देता है। देखो इसमें फंदे कैसे डालने हैं, मैं पहले आपको फंदे डालना सिखा देती हूँ, फिर मैं बनाना बताऊँगी। जैसे इसमें फंदे हम इस तरह से नॉट बना के भी डाल सकते हो, और ये जैसे नॉर्मल फंदे डालते हैं इस तरह से दो चार फंदे हम कलर से डालेंगे। चार फंदे मैंने मैरून कलर से डाले, और दो फंदे हम ब्लैक वाइट कलर से डालेंगे। इस तरह से मैं एक नॉट बना के एक फंदा डाल देती हूँ। ये देखो इस तरह से भी हम डाल सकते हैं, और ये इस तरह से हम ये दो फंदे ये मैंने ब्लू वाइट कलर से डाले। अब फिर दो फंदे हम मेहरून कलर से डालेंगे, फिर दो फंदे हम वाइट से डालेंगे, फिर दो फंदे हम मेहरून से डालेंगे, फिर दो फंदे हम वाइट से डालेंगे, फिर दो मेहरून से, फिर दो वाइट से। तो देखो फ्रेंड्स, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात दूनी चौदह, और छ चार सात। अब हम मैरून से भी दो और डाल लेते हैं, तो ये हमारे सोलह फंदे ये दो दो हो गए, और ये चार फंदे हमारे मैरून से और हो गए, तो हमारे ये बीस फंदे हो गए। तो मैंने बीस फंदों से ये डोरमेट बनाया है। इस तरह हम फंदे डालेंगे और उल्टा उल्टा बुनते हुए ले जाएंगे। तो देखो इस तरह हमने इसमें बनाया हुआ है। जैसे फंदे डल गए तो इसी तरह के डलते हैं, और हम यहाँ से फिर उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखो उल्टा, जैसे हमारी फर्स्ट सिलाई है ये, तो हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे, और जिस कलर से जो फंदे डले हैं उसी कलर से बुनना है। ये मैरून कलर से जो डले हैं फंदे, तो मैरून से बनाने हैं। जो ब्लू से डले हैं तो ब्लू से बनाना है। इस तरह हम पूरी सिलाई निकालेंगे। देखो हमने पूरी सिलाई निकाल ली। ये लास्ट में हम इस तरह ये एक फंदा नहीं बिनेंगे, इसको धागे को पीछे कर देंगे और इसको ऐसे ही उतार लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर ब्लू कलर लगाएंगे। इसको यहाँ पर चार फंदे हम ब्लू कलर से बनाएंगे। चार फंदे हमने ब्लू से बनाए, अब ये मेहरून से बनाएंगे। जो जिस कलर का है उसको उसी कलर से बनाएंगे, दो दो फंदे इस तरह। देखो फ्रेंड्स, ये दो फंदे रह गए, इसको हम नहीं बुनेंगे, यहीं से हम पलट जाएंगे। अब यहाँ पे भी जो जिस कलर का है वो उसी कलर से बनाना है।
अब देखो लास्ट में एक फंदा नहीं बुनेंगे हम, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। इस तरह पूरी सिलाई निकाल ली है। फिर यहाँ पर हम धागा फिर चेंज कर देंगे, यहाँ रेड वाला लगाएंगे इस तरह। ये इसमें पहला फंदा बुनना है रेड धागा लगा के, और इस तरह बनाते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो पहले हमने दो फंदे छोड़े थे, अब फिर दो फंदे छोड़ दिए, अब यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह हर बार दो दो फंदे छोड़ते हुए हम ऊपर तक जाएंगे। देखो यहाँ फिर हमने ब्लू कलर लगा लिया, एक एक दो सिलाई बाद हम ब्लू कलर लगाएंगे और चार फंदे हम बनाएंगे। धागा चेंज करते हुए हम बनाएंगे और दो दो फंदे हैं, जो जिस कलर से बने हैं वो उसी कलर से बनाने हैं नीचे की तरफ, और जो किनारे की तरफ है वो चार फंदे हम हर बार ये बदल देते हैं। ये तो इससे ये हमारी ये किनारी है ये ऐसी आएगी, और ये देखो कितनी अच्छी किनारी बनकर तैयार हो रही है। ये देखो यहाँ से भी बहुत अच्छी बनी है। ये देखो दो फंदे फिर हमने छोड़े। देखो यहाँ फिर हम चेंज करेंगे, ये मेहरून वाले हैं इसी कलर से बना देंगे। मेहरून जो है ब्लू है, ये दो इसको ब्लू से ही बनाना है। देखो अब हमने फिर दो फंदे छोड़ने हैं, फिर पलट जाना है।
दो मैरून थे, ये दो मैरून बनाने हैं और ये दो ब्लू हैं। अब यहाँ से हम पलट जाएंगे। देखो ये यहाँ से ही पलट जाना, ये ऊपर तक हम आ गए हैं, दो फंदे और रह गए हैं। अब यहाँ से हम देखो ये यहाँ चार फंदे हमारे ये रह गए, अब हम यहीं से पलट जाएंगे। ये देखो अब देखो फ्रेंड्स, अब हमको यहाँ पर छोड़ना नहीं है। अब ये हैं सारे फंदे हम बनाएंगे, अब पलटेंगे नहीं, हम जो जिस कलर से है उस कलर से बनाएंगे इसी तरह बनाते हुए दोबारा ले जाएंगे। नीचे तक हम सारे फंदे बना लेंगे। ये देखो मैंने सारे फंदे बना लिए हैं। अब फिर से हम ये भी सिलाई भी इसी तरह बना लेंगे। जो जिस कलर का है उसी कलर से हम बनाते हुए ले जाएंगे। फ्रेंड्स ये डोरमेट बहुत ही सुंदर लगता है,
और बहुत ही अच्छा मोटा बनके तैयार होता है। इसको किसी भी उसमें यूज़ कर लो, पूजा के लिए यूज़ कर लो, पूजा के आसन के लिए, और अपने ड्राइंग रूम में डालो, आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएगा। इसको पतली पतली चुन्नी या साड़ी से भी बना सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, फिर से अब हम दो दो फंदे छोड़ते हुए फिर दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे, तो हमारा इस तरह ये गोल डोरमैट बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा डोरमैट पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।